वही तो दोस्तों, तो फिर से आज का हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल वीडियो लेके। बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में 2-3 अकाउंट्स ऐड है एंड कोई और अकाउंट अभी प्राइमरी अकाउंट है, बट दोस्तों आप उसे प्राइमरी अकाउंट को चेंज करना चाहते हो एंड कोई और अकाउंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो प्राइमरी अकाउंट के लिए, तो वो आप आसानी से किस तरह से कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस हर बार की तरह एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत करना, अच्छी तरह से वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपका ये प्रॉब्लम आसानी से चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब कर लेते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। दोस्तों तो सिंपली से मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे, तो चलिए आप नेक्स्ट देखता हूँ किस तरह से दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट्स एडेड है, 2 अकाउंट एडेड है 3 अकाउंट एडेड है, तो उस अकाउंट्स में आप दोस्तों एक प्राइमरी अकाउंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई और अकाउंट अगर सेलेक्टेड है तो उसे चेंज किस तरह से कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आसानी से आप अपने फ़ोन एप्लीकेशन को ओपन कर लो एंड जो भी आपका पासवर्ड पिन है सबसे पहले वो आप एंटर यहाँ पे कर दो। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जैसे ही आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो, यहाँ पे आपको लेफ्ट के टॉप साइड में यहाँ पे आपको प्रोफाइल का बटन दिख रहा है, तो सबसे पहले आप सबसे इसे क्लिक कर लो। इसे क्लिक करने का नेक्स्ट दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको जस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बैंक अकाउंट, तो पहला मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकंड यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा प्राइमरी अकाउंट है वो स्टेट बैंक सेलेक्टेड है, बट अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो सिंपली से उसके लिए आपको करना क्या है, तो सिंपली से आपको यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सीट ए प्राइमरी, तो सिंपली से आप इस पर क्लिक कर लेना एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मांगेगी, तो सिंपली से आप यहां पे कंफर्म करना एंड जैसे ही आप कंफर्म करने तो एंड यहां पे मैं बैक करता हूं, तो यहां पे देख सकते हो अभी जस्ट मेरा स्टेट बैंक प्राइमरी अकाउंट सेलेक्टेड था, बट जैसे ही मैंने वहां पे अकाउंट को चेंज किया तो यहां पे जो मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है वो प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में 2 अकाउंट्स एडेड है 3 अकाउंट एडेड है तो आसानी से तो सिंपली से आप उस अकाउंट पे क्लिक करोगे एंड सेट ए प्राइमरी बटन पे क्लिक करके कंफर्म जैसे ही करोगे तो आसानी से दोस्तों आपका अकाउंट जो है प्राइमरी अकाउंट चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए एंड वीडियो में जो जो स्टेप्स वगैरह मैंने बताया अगर उसे अच्छी तरह से आपने देखा है, अच्छी तरह से उसे अप्लाई करते हो, तो आसानी से दोस्तों आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में किसी भी अकाउंट को आप प्राइमरी अकाउंट बना सकते हो एंड कोई भी अकाउंट आप चेंज भी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। सो साथ ही आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड इसी तरह के दोस्तों आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा या फिर वीडियो बना के मैं उसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम।